पूरे प्रदेश की तरह कल अजमेर में भी सभी पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बंद रहेंगे। अजमेर पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष वर्मन के अनुसार राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर वैट देश में सबसे ज्यादा है, जिसके चलते राजस्थान में पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा पेट्रोल और डीजल 5 से 10 रुपये महंगा मिलता है। यही वजह है कि राजस्थान में पेट्रोल पंप मालिक नुकसान का शिकार हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल पंप एसोसिएशन की मांग है कि रोड सेस भी राजस्थान में पंजाब के बराबर किया जाए, ताकि राजस्थान में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में नियंत्रण लाया जा सके। पेट्रोल पंप संचालकों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इसके बाद भी उनकी मांगों को नहीं माना तो आगामी 25 अप्रैल से पूरे प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप मालिक हड़ताल पर चले जाएंगे। कल दिनांक 10 अप्रैल को प्रदेश के समस्त पेट्रोल पंप एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पे है। सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक समस्त पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इसकी वजह है कि राजस्थान में हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा वैट पेट्रोल डीजल पे राजस्थान में है, इसलिए राजस्थान की जो पेट्रोल और डीजल की बिक्री है वो बहुत कम हो गई है। और जो सीमावर्ती ज़िले हैं जैसे बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, वहाँ तो पेट्रोल पंप बंद होने की नौबत पे आ गए हैं, क्योंकि पड़ोसी प्रदेश में पेट्रोल और डीजल 5 से 10 रुपये लीटर सस्ता है। सरकार ने पिछले साल पेट्रोल पे 26% से 38% वैट कर दिया था और डीजल पे 18% से 28% कर दिया था। साथ में रोड सेस अभी भी चल रहा है। सरकार से हमने निवेदन किया है कि ये रोड सेस पंजाब के बराबर किया जाए, ताकि ये जो 2 नंबर का तेल हरियाणा और पंजाब से राजस्थान में आ रहा है वो बंद हो और रेवेन्यू राज्य सरकार का रेवेन्यू बढ़े। लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए हम एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पे हैं। अगर फिर भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश के समस्त पेट्रोल पंप 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। संतोष वर्मन, अध्यक्ष, अजमेर जिला पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन।